हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन का, जो कि गाइस क्वार्टर एंडेड और हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। नंबर जो है मिलियंस में दिए गए हैं, पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम की बात की जाए तो इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया 413 करोड़ का जून 24 में, 384.5 करोड़ का सितंबर 23 में, 329.3 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है 223 करोड़ का जून 24 में, 221.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 225 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस डिक्रीज किया है। जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 177.3 करोड़ का जून 24 में, 151.4 करोड़ का सितंबर 23 में 93.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 135 करोड़ का जून 24 में, 114 करोड़ का और सितंबर 23 में 69.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 22.48 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। वहीं सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो वेब एंड रिलेटेड एक्ट सर्विसेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को कवर करेंगे तो इनकम है इस बार का 394 करोड़ का जून 24 में, 365.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 313 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 218.4 करोड़ का जून 24 में, 204.3 करोड़ का और सितंबर 23 में 206.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 175.6 करोड़ का जून 24 में, 161.6 करोड़ का और सितंबर 23 में 106.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 127 करोड़ का जून 24 में, 124 करोड़ का और सितंबर 23 में 82.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 21.12 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, रिजल्ट कंपनी का नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश है, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर हम इसके शेयर की बात करें, 2983 रुपीज पे कंपनी का शेयर आज कल के दिन क्लोज किया था और 225 PM में रिजल्ट आया, 1.8% का क्रैश किया था कल के दिन। 5 डे में 1.2% का लॉस है, 1 मंथ में 0.09% का लॉस है। कंपनी 7 अक्टूबर का एक सपोर्ट लिया था 2779 का, उसके बाद कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन अभी वापस से कंपनी कल के दिन वापस से डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन रिजल्ट जिस तरह का पेश किया है, चांसेस कंपनी यहाँ से वापस से रिवर्स कर सकता है और इसमें जो है सो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप इसमें एवरेज करना तो एवरेज भी कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो वहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।